पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग, घुड़सवारी और राफ्टिंग का मजा फॉरेन नहीं इंडिया में मिलेगा भाई। जाइए कभी हिमाचल प्रदेश, यहाँ शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशनों का सैर करके कामरूल नाग झील, रिवालसल झील, पारासाल झील और चमेरा झील जाकर मछली पकड़ने और नौकायान का आनंद लेकर चामुंडा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर और बैजनाथ मंदिर का दर्शन करके हिमाली नेशनल पार्क जाकर हिम तेंदुआ, याक, काला भालू, मोनाल और कस्तूरी मृग देखकर वीडियो लाइक करके घर चले जाएं। देवों की भूमि उत्तराखंड जाना तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन करके हरिद्वार जाके गंगा नदी में डुबकी लगा लेना और फिर नैनीताल जाके बढ़िया झीलों का आनंद लेना, फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जाकर पर्वती फूलों की हरियाली और रंग बिरंगे महकते कलियों के साथ फोटो क्लिक करवाना मत भूलिएगा। यहां काला भालू, हिम तेंदुआ, भूरा भालू और लुप्त प्राय पशु आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद रानीखेत जाकर गोल्फ के मैदान, बाज के वन और सरना गार्डन रोड घूम लेना, फिर हंसते मुस्कुराते घर वापस आते टाइम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। पंजाब गए और खेतों में खटिया डाल के हुक्का नहीं पिए तो क्या खाक पंजाब गए? पंजाबी पगड़ी और मोटा कड़ा यहाँ की पहचान है। मिट्टी के चूल्हे पर बनी बाजरे की रोटी और साग के साथ एक गिलास लस्सी पीकर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखने चले जाना और वहाँ से लौटते समय खेत खलियानों की हरियाली देखकर किसी भी व्यक्ति के फंक्शन में घुसकर बकायदा पंजाबी खाना ठूस के खा के घर के लिए निकल लेना। और अगर महाभारत का रण और पानीपत मैदान सिर्फ किताबों में पढ़े हैं तो चलिए घूमने हरियाणा। पर्वतों से घिरे, हरियालियों से भरे पंचकूला शहर को नया प्लांट किया गया है। यहाँ मनसा देवी मंदिर, कैक्टस गार्डन, छतबीर चिड़ियाघर और गुरु नानक साहब देख के मोरनी हिल्स चलते हैं। यह एक हिल स्टेशन है। यहाँ की हरियालियों में सुकून के दो पल बिताने के बाद दमदमा लेक निकलते हैं जो अरावली पर्वत से घिरी हुई है। इसके बाद करनाल चल के कड़ झील, दुर्गा भवानी मंदिर, करनाल छावनी घूम के पानीपत चलना है और वहाँ इब्राहिम लोदी मकबरा, पानीपत म्यूजियम घूम कर महाभारत के मैदान कुरुक्षेत्र चलते हैं। यहाँ ब्रह्म सरोवर, श्री कृष्णा म्यूजियम, थानेश्वर महादेव मंदिर, कल्पना चावला म्यूजियम घूम कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।